दिन में तीन बार खाती है क्योंकि तीन महीना पास हो गई है। व्हाट्सअप दोस्तों, क्या हालचाल। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। आज मैं आपको लेके आया हूँ न्यूटन राजारहाट में। हाँ, एकदम सही से सुना, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये ओवरऑल मैलाम्यूट हस्की के ऊपर है और हाँ साइबेरियन हस्की भी है। तो आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ यहाँ के ओनर से, तो आओ। आप कैसे हो? चल रहा है। ओके, गुड। तो पैडी स्पेशल व्लॉग में आपको स्वागत है। थैंक यू। और मैं तो फिलहाल अभी देख रहा हूँ ये आपके पास अलास्का मैलाम्यूट और हस्की भी है जी। तो पहली दफा थोड़ा बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? कुछ कुछ लोग बोलते हैं अलास्का मैलाम्यूटो, कुछ कुछ लोग बोलते हैं अलास्का मैलाम्यूट। मैलाम्यूट, मैलाम्यूट है ना। तो दादा आपके पास तो हस्की है, अलास्का मैलाम्यूट है, तो यही ब्रीड है ये दोनों या फिर दूसरा कोई और? नहीं, मेरे पास फिलहाल दो ही ब्रीड है। अच्छा। और एज अ ब्रीडर मैं ये समझता हूँ कि नंबर ऑफ स्टॉक जो होता है, ब्रीडिंग स्टॉक होता है या आप पेट्स बोलो, जगह जो आप ब्रीडिंग करना चाहते हो वो लिमिटेड होना चाहिए। अच्छा। नंबर्स में, क्योंकि देन अदरवाइज क्या होता है, सब कुछ कमर्शलाइज्ड हो जाता है। नंबर टू, आप उस ब्रीड को ब्रीड करो जिसका आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज है, 50% 60% नॉलेज हो। अच्छा। राइट। सो यस, फिलहाल अभी मेरे पास यही दो ब्रीड है एंड बाद में आई डू नॉट इंटेंड टू इंक्रीज और इंट्रोड्यूस एनी अदर ब्रीड एज ऑफ नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। ये एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि इसका जो फार क्वालिटी है बहुत ज़्यादा है, इसका ग्रूमिंग तो कैसे कैसे किया जा सकता है? क्योंकि जो लेकर जाता है तो उन्होंने बताया था कि इस एनवायरनमेंट में, इंडिया के एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसी वजह से क्या ये लोग परचेस कर पाएंगे या सर्विस कर पाएंगे? अलास्का मैलाम्यूट में आप थोड़ा बहुत अगर इसका नॉलेज शेयर कर दीजिए तो। ओके, मैं पहले आपको एक साइबेरियन हस्की का एक एग्जांपल देता हूँ। जब 2018 में मैं ब्रीडिंग करना चालू किया और मेरे पास पेट पेरेंट्स, प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स आने लगे, तो मैंने जब उनके साथ शेयर किया कि देखिए आप एसी का टेम्परेचर जो है आप उसको 25 अथवा 24 से कम मत करिएगा, तो 25 to 24। तो उन्होंने मेरे से पूछा क्यों, तो मैंने इन लोग सहन नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो उन लोग पार्टी वजह से नहीं, उन लोग बिकॉज देखिए नेट के ऊपर में यूजुअली लिखा हुआ है -10 degrees Celsius -20 degrees Celsius, इन लोग की दे आर हैबिचुएटेड टू इट। तो जब मैंने इनको ये बोला तो नॉर्मली अगर आप ऐसा बोलोगे और आप नेट पे पढ़ रहे हो और एक ब्रीडर ऐसा काउंटर एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है इधर ही डजन हैव नॉलेज और या वो अपना पपी से बेचना चाह रहा है। राइट। बट मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्यों शेयर किया, बिकॉज जब मेरे जो ब्रीडिंग थे, मतलब दो साइबेरियन हस्कीज थे, जब उनको पपी हुड से जब मैं बड़ा किया, ये चीज मैंने देखा कि मैं 16-18 में चलाता था तो आप बिलीव करो कि वो ब्लैंकेट के अंदर चले जाते थे। तो पेट पेरेंट्स इनिशियली हंस रहे थे, बट जब नेक्स्ट विंटर आया तो यही पेट पेरेंट्स कोलकाता में मेरे को वीडियो और इमेज शेयर कर रहे हैं, ये देखिए टी शर्ट पहना हुआ। अब साइबेरियन हस्की कोई टी शर्ट पहनता है? आपने सुना है इंडिया में? नहीं सुना। राइट। नंबर टू, उन्होंने मेरे पेट पेरेंट्स ने वीडियोस भेजा, ये राहुल दा ये कंबल से ही नहीं निकल रहा है। ये मैं आपको विंटर की बात भी कर रहा हूँ। राइट। ये मैं आपको समर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कलकत्ता की विंटर की बात कर रहा हूँ। कलकत्ता में विंटर कितना होता है, 15-18 degrees, 16-17 degrees। अब उसमें अगर वो टी शर्ट पहने और कम्बल से ना निकले तो मेरा बोलना क्या झूठ हुआ? नहीं। So I will share practical knowledge. अच्छा। ठीक है। अब रही ग्रूमिंग वगैरह की बात और टेम्परेचर रिलेटेड बात हो जाती है, डेफिनेटली फर ज्यादा है तो ग्रूमिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उनको ग्रूम करके रखना। एंड हम लोग एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट सप्ताह में 2 से 3 बार आप ग्रूम करो। 2 से 3 बार? Yes. और ग्रूमिंग अगर आप हैबिट में आ जाते हो तो मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट से ज्यादा टाइम लगता नहीं है पर डे। यस, हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये जो ब्रीड है बहुत बड़ा है। नहीं, अलास्किन का थोड़ा सा टाइम लगेगा, हस्की की बात कर रहा हूँ, 15 से 20 मिनट। अलास्किन का आपको कितना, हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स लगते हैं, बट वो तब होता है जब आप रेगुलर करते हैं। और अगर आप रेगुलर नहीं करते हैं तब आपको घंटा भर भी कम पड़ता है। तो इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से? देखिए, ओरिजिन जो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं और जो इनका दिया हुआ है, इट इज करीब 4000 साल पहले फ्रॉम साइबेरिया, जो जिप्सीज होते हैं या जिनको हम बंजारा बोलते हैं। अच्छा। ये लोग
अलास्का में इन लोग क्रॉस ओवर किए थे एंड दे मेट अप विद द इन्यूट ट्राइब एंड इनका जो आप ओरिजिन देखोगे इनकी जो ट्राइब थी इनका नाम है मैलामूट मैलामूट ट्राइब राइट सो इसीलिए इनका नाम भी अलास्किन मैलामूट आया हुआ है राइट एंड इनकी ओरिजिन एक्चुअली अगर आप देखा जाए जो वर्ल्ड में स्प्रेड हुई है इज फ्रॉम अलास्का अच्छा अब जाके समझ में आया क्योंकि अलास्का मैलामूट क्यों है हाँ बट एट द सेम टाइम मैं ये भी आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जितने अलास्किन्स आए हैं आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 99% आई वुड से ये सब थाईलैंड एंड चाइना से आए हैं थाईलैंड एंड चाइना से यस मेजॉरिटी तो दोस्तों आप सुन ही सकते हो दादा ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है बने रहिए हम लोगों के साथ क्योंकि और भी ज़्यादा क्वेरी है और भी ज़्यादा क्वेश्चन है तो देखते रहिए पैडिस पेशन ब्लॉग को पापा अच्छा राहुल दा ये अलास्का की जो कॉमन हेल्थ इश्यूज होता है वो क्या होता है ये थोड़ा अगर क्लियर कर दीजिए कॉमन हेल्थ इश्यूज में हम लोग जो देखते हैं दैट इज नंबर वन इज एचडी हिप डिप्लेसिया दैट इज नंबर वन नंबर टू कैटरैक्ट राइट नंबर थ्री ये कॉमन डिजीज नहीं है बट किडनी रिलेटेड हो जाता है लिवर रिलेटेड हो जाता है और ये सब जो होता है एक तो डाइट के ऊपर में जैसे मैंने आपको हिप डिप्लेसिया बताया तो पेट पेरेंट्स का एक बहुत कॉमन मिस्टेक होता है उनसे कि घर पे बोलते हैं नहीं इसको जो खाना दिया है वो काफ़ी नहीं है इसको तो और खाना चाहिए अच्छा अब क्या जब आप ओवर फीड करते हैं पपी को तो उसका जो वेट है टोटल उसके बैक पे आता है और बैक पे अगर ज़्यादा वेट आ जाता है मतलब दिस साइड हाँ. ये बैक पे तो डेफिनेटली उसके जो पैर हैं बेंड्स होने लगेंगे दैट इज नंबर वन तो ओवर फीड मत करें ओवरफीडिंग हाँ जितना रिकमेंडेड है और ब्रीडर से हमेशा कांटेक्ट में रहिए कि सर मैं कितना खाना खिलाऊं अपडेट करिए कि उसका वेट इतना हो गया फोटोग्राफ्स भेजिए वीडियोस भेजिए पीछे के साइड से कि उसका लेग्स वगैरह ठीक है कि नहीं है नंबर टू आप जो घर के अंदर में वेट्रीफाइड टाइल्स होता है जो मार्बल वगैरह जो होता है बहुत स्लिपरी होता है अगर आप उसके ऊपर में उसको दौड़ाएंगे तो चांसेस आ कि उसके लेग्स बेंड हो जाएंगे मैं हो सकता है वो हिप डिप्लेसिया नहीं हो हिप डिस्प्लेसिया एकदम वो जरूरी नहीं कि वो हिप डिप्लेसिया है हिप डिप्लेसिया इज वेरी जेनेटिक मगर जब पैर बेंड हो जाएंगे तो सब लोग ये बोलेंगे कि इसको हिप डिप्लेसिया है तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स हिप डिप्लेसिया इन इटसेल्फ इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर राइट बट ये कुछ केयर्स करना पड़ता है तो हमारे जो पपी ओनर्स होते हैं स्पेशली अलास्किन मैलामूट हम उनके साथ रेगुलर टच में रहते हैं एवरी 15 डेज टू 30 डेज मैं अपडेट लेता हूँ कि उसका वेट क्या है उसके पीछे से फोटो भेजिए और खाना कितना खिलाते हैं और हम लोग रेकमेंड करते हैं कि घर का खाना खिलाइए बट घर का खाना में भी हमारा रेसिपी नहीं कोई भी पेट न्यूट्रिशनिस्ट से रेसिपी लेके खिलाइए आप अच्छा राइट ठीक है ये बात समझ में आया तो दादा और एक चीज है क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पर जो होता है फ्लैट कल्चर वगैरह है हम लोग के यहाँ पर जी. तो इसके लिए इन लोगों को तो वर्कआउट होना ही चाहिए तो ये मिट्टी वाला जो ग्राउंड वगैरह है इसको कौन सा बनाए मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक जो होता है जी. जो नॉर्मल थोड़ा बहुत बेसिक वर्कआउट वगैरह होता है उसके लिए आप कोई सजेशन या फिर कोई कुछ बोल सकते हो देखिए ना जैसे मैंने अभी आपको बताया घर के फ्लैट के अंदर में रखने में कोई टेंशन नहीं है बट उनकी एक्सरसाइजिंग जो होती है और आप एक पपीहुड से जब ग्रो करने लगता है और हम लोग क्या करते हैं घर के अंदर में दौड़ते हैं स्लिपरी टाइल्स है एकदम एकदम ठीक है अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि एक इंसान अगर समझिए एक पसीना का बूंद भी गिरा तो उसके ऊपर भी इंसान स्लिप कर सकता है तो आप डॉग्स का सोचिए
अगर उसका पैर उस जगह में पड़ गया जहाँ पे पानी है या पसीना हाँ। है वो तो स्लिप करेगा, स्लिप तो करेगा, राइट करेगा। देयरफॉर वो अपना हेड इंजरी कर सकता अगर वॉल में गया, लेग लेग उसके डैमेज हो सकते हैं, फ्रंट लेग्स और बैक लेग्स। तो घर के अंदर में आप एक्सरसाइजेस मत कराइए, बाहर लेकर आप उसको, छत अगर आपके पास है, मगर छत में भी सेम कंडीशन होना चाहिए, वेट्रीफाइड टाइल्स या स्लिपरी टाइल्स नहीं होना चाहिए। नीट सीमेंट वगैरह है तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे मेरे बहुत से पेट पेरेंट्स हैं, जब मैं उनका एनवायरनमेंट देखता हूं तो उन लोग नायलॉन वाला कारपेट लगा देते हैं, ग्रास वाला, वो क्या ठीक ठाक है। हाँ, बिकॉज ग्रिप चाहिए ना मेरे को, ग्रिप चाहिए, एग्जैक्टली ग्रिप चाहिए। और रहा जिसके पास, अगर समझ लीजिए छत वगैरह नहीं है और आप रास्ते में ले जाइए, मगर रास्ते में जब आप ले जा रहे हैं पपी का पूरा वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, उसके बाद, उससे पहले मत लेके जाओ आप, इन्फेक्शन का चांसेस है। नंबर टू, आप डेफिनेटली कुछ एंटी टिक सोल्यूशन टैबलेट्स है, ओरल एप्लीकेशन है, वो यूज करिए कि हमको बाहर से उनको टिक्स वगैरह ना आ जाए। हाँ, ये जो घर में जब आते हो इमीडिएटली उसका पैर वगैरह आप धो लो। आपने अभी जो बोला ना ये टिक्स का, ये टिक्स का मानो कि कौन सा सीजन रहता है? देखिए नॉर्मली जस्ट बिफोर मॉनसून ये एट द पीक रहता है। अभी यस, अभी फिलहाल पीक ही रहता है। तो इसके लिए कोई बेसिक वाला ग्रूमिंग? नहीं, ग्रूमिंग तो मैंने आपको बता ही दिया ना, जैसे आप ग्रूमिंग करते हो तो आप चेक कर सकते हो वेदर टिक्स है कि नहीं है। उसको प्यार करने का भी तरीका होता है, हम लोग, बहुत से लोग ऐसे करके प्यार करते हैं, हम वो नहीं बोलते, हम ऐसे बोलते हैं ऐसे करके करिए जिससे कि अंदर भी स्किन तक आपका उंगली जा सके। बाई चांस आप देख रहे हो कि कुछ है तो आप वहां पे रुकिए, फर अलग करके आप देखिए क्या है वहां। देखिए टिक्स हो सकता है, स्किन रैश हो सकता है, राइट right. तो जब ग्रूमिंग में जब ये भी आ जाता है, जब आप देखते हो स्किन रैश है तो डेफिनेटली आप इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट right. और टिक्स का आप वेटनेरियन से बात करिए, आपका वेटनेरियन बता देगा, या तो टैबलेट खिलाने को बोलेगा या फिर आपको बोलेगा कोई लोकल एप्लीकेशन। ये शैम्पू वगैरह जो मिलता है मार्केट में, आप कौन सा वाला सजेस्ट? हम वाहल का यूज करते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी हम लोग जो देखिए वो आई थिंक इट इज 400 or 500, बिकॉज मैं कभी हिसाब रखता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पूछा इसलिए क्योंकि इन लोगों का मंथली जो वगैरह नहीं, ओके लेट वजह से मैंने पूछा था। अलास्किन मैलामूट एंड साइबेरियन हस्की मेरे यहाँ जो रखे हैं, और मैं जो सजेशन देता हूँ कि आप इनको 2 से 3 महीना के अंतर में नहलाइए। उसकी वजह यह है कि जो हम बोलते हैं 2 से 3 महीना अंतर में आप नहलाइएगा, उसकी वजह एक ये होती है कि अब आप जैसे दूसरे ब्रीड्स को देखिए, जैसे लैब्राडोर है, रिट्रीवर है, जीएसडी है, उनके शरीर से जो बॉडी ऑर्डर आती है इनके शरीर से उतनी बॉडी ऑर्डर आती नहीं है, राइट। बट हाँ, आपको रेगुलर ग्रूमिंग भी करके रखना है सो दैट दैट बॉडी ऑर्डर इज नॉट ट्रैप्ड इनसाइड द फर, राइट। सो और तो आप समझ लीजिए साल में अगर आप 4 बार या 5 बार नहरा रहे हो, इट इज मोर देन गुड इनफ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच ये इंफॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेरी है दादा से हम पूछ लेंगे, तो चलिए बने रहिए पैटी स्पेस से, हम लोग को देखते रहिए। दादा आपके पास जो लीटर है इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये है अलास्कन, राइट? हाँ, ये अलास्कन, अलास्कन फीमेल है। अलास्कन फीमेल है, हाँ जी। ये कितने दिन का है? ये 3 महीना 16 दिन की हो गई है आज। अच्छा। एंड इसका 2 वैक्सीनेशन हो चुका है और इसका KCI डॉक्यूमेंट भी आ गया, इसका डॉक्यूमेंट पे नाम है समर, समर समर, SUMMER। ओके,
और ये साइबेरियन हस्की वुली है, ये आज के तारीख में है 39 days। इसका और 4 दिन में 39 चार दिन के अंदर में इसका फर्स्ट वैक्सीनेशन ड्यू है। ये क्या ब्लू आइस है क्या? आइस तो हम कभी देखते नहीं है। दिस इज अभी जो शेड है स्लाइटली एम्बर टाइप का शेड है। एम्बर टाइप एम्बर। सो दादा इसका प्राइस कितने में आएगा अगर कोई पूछे तो? बता देता हूँ, चलो देखिए अलास्कन मैलामूट इंडिया में विद केसीआई आपको नॉर्मली 160-165 और उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि अगर कुछ बार्गेनिंग हो जाए, बट आप हमको डायरेक्ट फोन करो। वो प्राइसिंग इज नॉट एन इश्यू, फैमिली अच्छा फैमिली मिलना इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, एंड साइबेरियन हस्की जो हमारे यहाँ प्लेस होता है वो एक्चुअली से प्लेस होता है 65,000, बट जैसे मैंने आपको बोला प्राइस इज सेकेंडरी, फैमिली कौन सा मिल रहा है मेरे को प्लेसमेंट के लिए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट ऑफकोर्स अगर कोई मेरे को बोलता है सर आप ये 20,000 में दे दोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। समझ गए। तो दादा आपका नंबर थोड़ा बता दीजिए। मेरा नंबर है 8017036777, ऑल्टरनेट नंबर है 7003585861। तो ये दादा भी यहाँ पर ही रहता है? ये रहीम है, he is like my elder son. ओके, हेलो रहीम दा। और अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और आप हमारे लिंक पे जाएंगे आवर टीम, तो रहीम इज द बैकबोन ऑफ द कैनल। ओके, अगर वो नहीं रहेगा तो मेरे ख्याल से मेरे को ब्रीडिंग स्टॉप करना पड़ेगा। अच्छा, सीधी सी बात। तो हैट्स ऑफ रहीम दा, थैंक यू सो मच। ओके, गुंजी गली। और 108 आप साइज डिफरेंस देखो। गुंजी गोलो 38 मतलब 108 -39 -40 पकड़ लो तो कितना 40. हुआ 60? हाँ शायद 60 होगा। तो आप देख लो कितना डिफरेंस है इनकी। ये देखो इसका हाइट आप देखो, ऊंचू। ये 3 महीने में इतना ज्यादा बड़ा है, तकरीबन तो 6 महीने आते थे तो बहुत ज्यादा ही होगा। ऊंची चीची के लिए चिपो टूट गए। आजा कम, ओए मुडू बाबा तो मिला। रोशी कम या व्हाट? नो कम या रोस। वो खाने का टाइम हो गया ना उसका, इसलिए ध्यान उधर है। इधर आजा आजा जो जो गुंजी बोया। गुंजी बोया सी हिज हाइट, आई एम 6 feet टॉल। ओके, आई सी हिज हाइट जो ये दिन में कितना टाइम खाता है? 2 बार, सुबह को और शाम को। हाँ, सुबह 8 से 8:30 और शाम को 5 से 5:30। ठीक है। Thank you.
बोलो, ये दिन में 3 बार खाती है क्योंकि 3 महीना पार हो गई है, और वो जो आपको बच्चा दिखाया साइबेरियन हस्की, वो दिन में 4 बार, वो दिन में अभी फिलहाल 4 बार, 4 बार, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। কেমন লাগলো আজকে আমাদের এই ভিডিও জানাতে অবশ্যই ভুলবেন না আমাদের কমেন্ট বক্সে। চলুন দেখা হবে নেক্সট অন্য কোনো ভিডিওতে, ততদিন সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন প্যারাডাইস পেটস এন্ড ব্লগ।